एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेलिस्ट में जिसका नाम है हेयर फॉल का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट सेकंड। और इस वीडियो में हम अपना जो ट्रीटमेंट है हेयर लॉस का ट्रीटमेंट फिर दोबारा कंटिन्यूस कर रहे हैं। आज है हमारा डे फर्स्ट, सेकंड प्लेलिस्ट का डे फर्स्ट है। तो हमने ये हमारा सॉल्यूशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा सॉल्यूशन है, इसका हम यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हम हमारी मेडिसन जो कि मैंने आपको दिखाई थी, ये हमारी मेडिसन है, ये दो मेडिसन हैं। 30 डे का मेरा पैक है, 30 डेज तक मैं आपको वीक में एक बार वीडियो पोस्ट करूंगा और आपको जो मेरे हेयर लॉस का रिजल्ट है वो भी आपको शो करूंगा। तो वीडियो को प्रॉपर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, साथ ही दोस्तों ये भी पता चलेगा कि हाँ जो मेरा हेयर लॉस है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेयर लॉस है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुआ है, पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है, और जो बचा है उसको बचाने के लिए वहाँ पे और टाइनी हेयर्स जो आए इसके लिए मैंने अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यूस रखना है 30 डेज तक। और बीच बीच में वीक 1 वीक मतलब 1 मंथ में आपको 4 वीडियो आपको मैं अपलोड कर दूंगा जिससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मैं सॉल्यूशन का यूज़ कर रहा हूँ ये मुझे फ़ायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो चलिए इस पैकेट को ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल न्यू पैकेट है, तो इस पैकेट को मैं आपके सामने ही ओपन कर रहा हूँ। बॉक्स को दोस्तों मैंने ओपन कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है। देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है, पता तो है नहीं है, तब भी देख सकते हैं दोस्तों आप, ये सब चीज़ें इसमें से निकली हैं। ये देखिए ये हमारा ड्रॉपर है और ये हमारा स्प्रेयर है, दोनों चीज़ें हैं, ड्रॉपर और स्प्रेयर निकला है। और इसके साथ ही इसके अंदर ये हमारा सॉल्यूशन है, ध्यान से आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का हमने यूज़ करना है, आप ध्यान से देख लें, ये सॉल्यूशन है हमारा, ओपन करके देख ले रहे हैं। ये देखिए ये है हमारी उसकी कैप, कैप को ओपन कर लिए हैं, देखिए बिल्कुल सील पैक है। तो इसको भी ओपन करते हैं, काफ़ी टाइटली था दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला है। तो ये हमने ओपन कर दिया पूरा पूरा बॉक्स को, तो इसको हम बिल्कुल बंद करके अब रख देते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा स्प्रेयर के लिए है और ये हमारा ड्रॉपर है। 1 ml सॉल्यूशन हमने लेना है और इसका यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है इसके बारे में भी बताऊंगा, प्रॉपर आपको ये वीडियो देखनी है तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाद में हाथ मलते रहना कोई मतलब नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें डर्मा रोलर करना है, तो डर्मा रोलर करने से पहले सबसे पहले इसको सैनिटाइज करना है। तो मैं सैनिटाइज करना तो भूल गया, ठीक है मैं सैनिटाइज करके आता हूँ फिर दोबारा मैं बिल्कुल स्टार्ट। अगर मेरी तरह आप भी भूल गए हो तो कोई बात नहीं है, इसको सैनिटाइज करके ही यूज़ करना, क्योंकि अगर आप ऐसे विदाउट सैनिटाइज इसका यूज़ करेंगे तो बहुत सी चीज़ें इसमें चिपकी होती हैं, कीटाणु चिपके होते हैं, सैनिटाइजर की हेल्प से रिमूव आउट हो जाएगा तब इसका यूज़ करें। तो चलिए अब हम इस डर्मा रोलर को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें वर्टिकली यूज़ करना है फिर हॉरिजेंटली यूज़ करना है, कम से कम 15 मिनट तक इसका यूज़ करना है, ज़्यादा दबाव में नहीं चलाना है। और इस डर्मा रोलर का यूज़ वीक में 1 बार या तो फिर 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है और इसके बाद हमारी जो डैमेज होने के बाद रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा हेयर ग्रोथ का जो सॉल्यूशन यूज़ करेंगे उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं शो करेंगे, तो इसका ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट, 15 मिनट तक मैं डर्मा रोलर को अपने सर पर अच्छे से यूज़ कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों डर्मा रोलर का यूज़ पहले वर्टिकली फिर उसके बाद हॉरिजेंटली दोनों तरह से करना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, जहाँ पे आपके बाल नहीं है वहाँ पे ही करना है, ध्यान रखें इस बात का, दोनों साइड कर लें, कम से कम 10 से 15 मिनट तो करना ही है, वीक में 1 या 2 बार ही करना है, इससे ज़्यादा डर्मा रोलर का यूज़ ना करें।
थर्मल रोलर यूज करने का भी बहुत फायदा है। क्योंकि दोस्तों इसमें 540 माइक्रो नीडल्स होती हैं, और ये माइक्रो नीडल्स हमारे जो जिस एरिया पे भी बाल नहीं है उस एरिया को पंचर करती है और वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो इसके बाद हमें 1 वीक आफ्टर ही क्यों यूज़ करना है, क्योंकि जो भी हमारी जो हमारी स्किन की जो ये सेल्स हैं वो डैमेज होगी, तो उसको रिपेयर के लिए भी टाइम चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और हमारा जो रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस बात का बिल्कुल खास ख्याल रखना है। सेम टू सेम ऐसे ही 15 मिनट तक आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। जैसे ही यूज़ हो जाए तुरंत इसको सैनिटाइज करना है, और सैनिटाइज करने के बाद इसको रख देना है, ओके। क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो चिपक गई होंगी, बहुत सी चीज़ें चिपक गई होंगी, तो इसको बाहर रिमूव आउट करना है। आफ्टर इसको यूज़ करना है तो फिर सैनिटाइज करना है, और उसके बाद फिर इसको सैनिटाइज करके ही यूज़ करना है। इससे पहले इसको यूज़ नहीं करना है, जब भी यूज़ करना है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा सेकेंड स्टेप आता है हमारा सोल्यूशन। एक चीज़ आपको खास ख्याल रखनी है, सॉल्यूशन ओपन करने से पहले इसको अच्छे से शेक कर लेना है। शेक करने से क्या होगा कि जो भी इसमें कॉम्पोजिशन है, जो भी मिक्सअप है, वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएगा और जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। फिर इसके बाद हमको इस सॉल्यूशन के कैप को करना है ओपन। ओपन कर लिया हमने। फिर उसके बाद ये हमारा ड्रॉपर है, या तो फिर हम पिपेट जो भी नाम दें, 1 ml सॉल्यूशन इससे हमें निकालना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने 1 ml सॉल्यूशन निकाल लिया है। आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि 1 ml सॉल्यूशन इसमें है। फिर अपने सॉल्यूशन के बॉक्स को बंद करके रख देना है, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि गिर जाए तो नुकसान हो जाएगा, पूरी आपकी बॉटल जो सॉल्यूशन की बॉटल है वो नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद जहाँ पे भी आपके बाल नहीं है वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको इसको डालना है सॉल्यूशन को। फिर हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करनी है। इस बात का भी खास ख्याल रखना है, जहाँ जहाँ जिस एरिया में भी आपके बाल नहीं है वहाँ पे अच्छे से आपको सॉल्यूशन लगाना है। हल्के हल्के हाथों से मसाज भी करनी है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन गिरे ना आपका। अगर गिर गया, अगर जिस एरिया जहाँ पे भी आपका रह गया वहाँ पे बाल आ जाएंगे। मेरे यहाँ पे आ गए हैं, साइड साइड में आ गए हैं, काफ़ी हल्के हल्के आए हैं, तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना है, नहीं तो अनवांटेड बाल तैयार हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। जहाँ पे आना है वहाँ नहीं आएंगे, जहाँ पे नहीं आना है वहाँ पे आ जाएंगे। तो इस बात का बिल्कुल खास ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी बात है, ये मैंने आपको अलर्ट कर दिया है। दोस्तों फर्स्ट प्लेलिस्ट में मैंने बताया था आपको कम से कम आपको 2 से 3 महीने तक यूज़ करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका रिजल्ट है वो प्रॉपर अच्छे से आएगा। अगर आप मैंने या आपने किसी ने भी अगर यूज़ करते करते इस सॉल्यूशन को बंद कर दिया तो जो रिजल्ट है वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप इस ट्रीटमेंट को अगर स्टार्ट करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि हाँ जब ये हमारा कंप्लीट हो जाए 3 से 4 मंथ कम से कम, तभी बंद करें। इससे पहले बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर आपका ट्रीटमेंट करने ना करने कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। होपलेस अलग से हो जाएंगे, पैसा वेस्ट, अलग से किसी से बताएंगे कि हाँ मैंने अपने हेयर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था और बीच में मैंने बंद कर दिया है, तो दूसरे का भी जो रिस्पॉन्स, अगर किसी दूसरे को बताएंगे कि मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर इससे दूसरा भी डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें, सॉल्यूशन को इस तरह लगाएं, और शायद थोड़ा बचा हुआ है, इसलिए जहाँ जहाँ भी हल्का हल्का, जहाँ जहाँ भी बाल आपके नहीं है वहाँ अच्छे से लगा लें। पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, इस बात का आपको
आपको सब्र रखना पड़ेगा, तभी आप इसको देख पाएंगे रिजल्ट को। रिजल्ट के लिए आप 1 मंथ का वेट जरूर करें, आपको रिजल्ट जरूर शो होगा। और फर्स्ट प्लेलिस्ट में मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था इस सॉल्यूशन ने मुझे, तो ज़रूरी भी था कि हाँ हेयर लॉस अगर हो रहा है किसी कारणवश जेनेटिक हुआ है तो इसको कवर अप करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना बालों के फेस की जो सुंदरता है वो ख़त्म हो जाती है, चेहरा चाहे इतना अच्छा से अच्छा हो मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए आपको सॉल्यूशन को यूज़ करना ही है अगर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैंने अच्छे से इसको यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद हमारा ये हमारा दोनों भी दोनों मेडिसिन हैं, देख लीजिए ध्यान से, उल्टा है क्या सीधी कर, ये दो मेडिसिन हैं इनका भी यूज़ करना है। रात में सोने से पहले इन दोनों में से एक एक टैबलेट खानी है रेगुलर। उसके बाद एक चीज़ और, उसके बाद दोस्तों ये हमारा शैम्पू है जिसको हमें यूज़ करना है अल्टरनेट में, रोज़ नहीं करना है अल्टरनेट में करना है, क्योंकि हमारी जो सॉल्यूशन में एंटी फंगल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए हमें शैम्पू का यूज़ करना है जिससे भी किसी तरह की भी कोई फंगल हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रही है या तो फिर कोई डैमेज हो रहा है, हमारे ईचिंग हो रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम से हमारा ये शैम्पू आराम दिला। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा सॉल्यूशन को, जो है सुबह शाम 1 1 ML रोज लगाना है, बट डर्मा रोलर वीक में 1 बार करना है या तो फिर 2 बार कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा करना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।